एक व्यूवर का क्वेश्चन है कि इटसेल्फ क्या है। आप कहते हैं कि इस टॉपिक को लेकर अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहाँ हम सब्जेक्ट पर जोर देते हैं, यानी हम ये बताते हैं कि ये काम उसने ही किया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखा है और पहला एग्जाम्पल है मैं पढ़ाता हूँ। ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूं मैं खुद पढ़ाता हूं, तो यहां मैंने अपने पर जोर दिया, यानी यहां मैंने सब्जेक्ट पर जोर दिया या उसको फोकस किया कि ये काम मैं खुद करता हूं। वह खाना पकाती है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन अगर मैं कह दूं वह खुद खाना पकाती है, तो यहां वर्ड खुद सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए आया है, यानी यहां वर्ड खुद एक इम्फेटिक है जो सब्जेक्ट पर जोर देने का काम किया। तो आइए फ्रेंड देखें इस तरह के कुछ सेंटेंसेस जहां आप अपने सब्जेक्ट पर जोर देते हैं या अपने सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। इसके पहले कि मैं कुछ एग्जांपल्स दूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो खुद की इंग्लिश होगी माईसेल्फ, अगर आपका सब्जेक्ट ही है तो खुद की इंग्लिश होगी हिमसेल्फ, सी के लिए आप लिखेंगे हरसेल्फ, यू के लिए आप लिखेंगे योरसेल्फ और योरसेल्व्स, यानी वर्ड यू के लिए योरसेल्फ और योरसेल्व्स दोनों लिखा जाता है, क्योंकि सिर्फ यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ये अलग बात है कि इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट दे है तो आप खुद के लिए लिखेंगे देमसेल्व्स, अगर आपका सब्जेक्ट वी है तो खुद की इंग्लिश होगी आरसेल्व्स, और अगर आपका सब्जेक्ट इट है तो खुद की इंग्लिश होगी इटसेल्फ। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये सभी वर्ड्स इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि इस तरह के वर्ड्स को क्या कहते हैं तो आप कहेंगे इम्फेटिक प्रोनाउन। आइए इन सभी बातों को एग्जांपल्स में बेहतर तरीके से समझें। सबसे पहले मैं एक नॉर्मल सेंटेंस बोलूंगा, उसके बाद मैं एक इम्फेटिक सेंटेंस बोलूंगा ताकि आप बातों को आसानी से समझ सकें। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, ये रहा एक नॉर्मल सेंटेंस। लेकिन अगर मुझे कहना हो मैं खुद इंग्लिश पढ़ाता हूँ, कई बार लोग खुद के जगह पर बोलते हैं स्वयं, यानी मैं स्वयं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई माई सेल्फ टीच इंग्लिश, यानी मैं खुद इंग्लिश पढ़ाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि इम्फेटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है। वह खाना पकाती है, सी कुक्स फूड, ये है एक नॉर्मल सेंटेंस। लेकिन अगर आपको कहना हो वह खुद खाना पकाती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी हरसेल्फ कुक्स फूड, यानी वह खुद खाना पकाती है या वह स्वयं खाना पकाती है। वे लोग झूठ बोले, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दे टोल्ड अ लाई। लेकिन अगर आपको कहना हो वे लोग खुद झूठ बोले, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दे देमसेल्व्स टोल्ड अ लाई, यानी वे लोग खुद झूठ बोले। हम लोग गलती करते हैं, वी कमिट मिस्टेक। लेकिन अगर आपको कहना हो हम लोग खुद गलती करते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वी आर सेल्फ कमिट मिस्टेक, यानी हम लोग खुद गलती करते हैं। आइए अब कुछ सेंटेंसेस इटसेल्फ पर देख लें। जैसा कि आपको पता है इट का इस्तेमाल हम कीड़े मकोड़े या बेजान चीजों के लिए करते हैं, तो अगर हम किसी कीड़े मकोड़ों को देखकर कहें यह जख्मी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज इंजर्ड। लेकिन अगर मैं कहूँ यह खुद जख्मी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इटसेल्फ इज इंजर्ड, यानी यह खुद जख्मी है। अगर आपको कहना हो यह टूटा हुआ है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज ब्रोकन। लेकिन अगर आपको कहना हो यह खुद टूटा हुआ है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इटसेल्फ इज ब्रोकन, यानी यह खुद टूटा हुआ है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि माईसेल्फ, योरसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, आरसेल्फ और इटसेल्फ क्या है। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।